के ग्राम भमावद में एक बड़ा घोटाला सामने आया है। शासकीय माध्यमिक विद्यालय का निर्माण अभी पिछले 6-7 वर्ष पहले ही हुआ था। यहाँ विद्यालय लाखों रुपए की लागत से बना हुआ था, परंतु आज इस विद्यालय में बच्चों के पढ़ने की जगह गाय का गोबर पड़ा हुआ है। विद्यालय की हालत आप देख सकते हैं, गाँव की औरतें इस पर कंडे उबले बनाती है। औरतों से जब हमारे संवाददाता ने बात की तो वहाँ बताती है कि सब औरतें यहाँ कंडे बनाने आती है। ग्राम पंचायत भमावत के द्वारा यहाँ स्कूल बनाया गया था। शासन का लाखों रुपया इस स्कूल में लगा हुआ है, परंतु अल्प समय में ही स्कूल की हालत बड़ी दयनीय हो गई है। गांव वाले इस स्कूल में गाय को एकत्रित करके रखते हैं, जिससे कि गाय गांव वालों की फसल न खा सके। अब देखना यह होगा कि शासन का लाखों रुपया इस स्कूल में लगा हुआ है, इसका असली दोषी कौन है? ग्राम पंचायत का सरपंच, सचिव अथवा ऊपर बैठे कोई अन्य अधिकारी? कुमराज से संवाददाता दिनेश बैरागी की खास रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं राजधानी समाचार। बात की जाए तो ग्राम भमावत की, तो ग्राम भमावत का जो शासकीय प्राथमिक विद्यालय है, विद्यालय में आप देख सकते हैं कितनी गंदगी मची हुई है, और इसको ज़्यादा दिन भी नहीं हुए, अभी मात्र 7 साल में ये बिल्कुल जर्जर हो चुका है। आप देख सकते हैं गंदगी कितनी जोर से गंदगी भरा हुआ है। स्कूल है, विद्यालय है, प्राथमिक विद्यालय ग्राम भमावत प्राथमिक विद्यालय, जिसकी स्थिति देख सकते हैं आप, कितनी गंदगी मचा हुआ है। ये स्कूल के ऊपर औरतें कंडे जो उबले हैं, उबले तापती है। ये देखिए, आप देख सकते हैं आप स्कूल की कंडीशन। ग्राम पंचायत भमावत का शासकीय माध्यमिक विद्यालय है ये। मेरा नाम धर्मेंद्र सिंह चौहान राजपूत। अच्छा, ये स्कूल कब बना था? स्कूल बना था अपने लगभग 7-8 साल पहले। तो इसमें पढ़ाते हैं बच्चों को? पढ़ाते हैं? कोई नहीं पढ़ाते, गाय पूछते हैं इसमें नीचे। ये बिल्डिंग कभी भी गिर सकती है, गौ माता की मृत्यु हो सकती है। तो गांव वालों को समझ में नहीं आता, फिर भी इसमें पूछते हैं। ये बिल्डिंग का कोई पता नहीं, इधर बीम देखो, जाने वाले हैं, गिरने वाले हैं ये, तो कोई समझ में नहीं आता इनको। हाँ, ये बीम भी देख सकते हैं आप, ये देखिए आप स्कूल के बीम, कभी भी गिर सकता है ये। 7 साल में कंडीशन देख सकते हैं आप, सिर्फ 7 साल स्कूल को बनाए हुए हुए है, और उसमें आप देख सकते हैं इसमें गौ माता। मेरा नाम धर्मेंद्र सिंह चौहान राजपूत। अच्छा, ये स्कूल कब बना था? स्कूल बना था अपने लगभग 7-8 साल पहले। तो इसमें पढ़ाते हैं बच्चों को? पढ़ाते हैं? कोई नहीं पढ़ाते, गाय पूछते हैं इसमें नीचे। ये बिल्डिंग कभी भी गिर सकती है, गौ माता की मृत्यु हो सकती है। तो गांव वालों को समझ में नहीं आता, फिर भी इसमें पूछते हैं। ये बिल्डिंग का कोई पता नहीं, इधर बीम देखो, जाने वाले हैं, गिरने वाले हैं ये, तो कोई समझ में नहीं आता इनको। हाँ, ये बीम भी देख सकते हैं आप, ये देखिए आप स्कूल के बीम, कभी भी गिर सकता है ये। 7 साल में कंडीशन देख सकते हैं आप, सिर्फ 7 साल स्कूल को बनाए हुए हुए है, और उसमें आप देख सकते हैं इसमें गौ माता को पहनते हैं। हाँ, गौ माता को अंदर बंद करते हैं। क्या नाम है बेटा आपका? अरे ठेकेदार नाम पता है आपको? कौन ठेकेदार है? ठेकेदार तो उस समय पे शायद तुलाराम जी थे। तुलाराम जी कहाँ के है जी? राधोगढ़ के रहने वाले थे शायद वो। अच्छा, उन्होंने ही बनाया था ये? हाँ, उनके अंडर में था। अच्छा, चलो ठीक है। और कुछ कहना चाहते हो भैया? जी बिल्कुल नहीं, ये कहना चाहता हूँ कि ये गौ माता किसी दिन इसमें अंदर आ जाएगी बस। अच्छा जी, ओके, थैंक यू। तो माता जी, आप यहाँ क्यों उबले, ये यहाँ क्यों बनाती हो आप? स्कूल लगा रहे ये तो सबको सबको नाम लो। अच्छा, स्कूल आपके स्कूल बंद हो गया? स्कूल ये स्कूल बंद हो गया यहाँ से, मतलब स्कूल लगता नहीं है यहाँ पे? नहीं लगा, सब बस। अच्छा, सब्सक्राइब नाउ।
एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट।